हाँ, द वर्ड डेमोक्रेसी डेरिवेस फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स डिमोस एंड करसिया, क्रेशिया वैसे बोलेंगे, सी के डिमोस डी ई एम ओ एस, और क्रेशिया का मतलब के आर ए एस आई ए, क्रेशिया। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति या इसकी ओरिजिन ग्रीक भाषा के शब्द डेमोस और क्रेशिया से हुई, डेमोस और क्रेशिया से। ठीक है, डेमोस और क्रेशिया से, डी ई एम ओ एस इसको बोलेंगे डेमोस, और क्रेशिया के आर ए एस आई ए, ये है क्रेशिया। तो जो डेमोक्रेसी है ये यहां से आया है, और ये भाषा जो है क्या है, ग्रीक है, ग्रीक। ठीक है, याद रहेगा ना। आगे मीनिंग आप लिखो, या डिमोस मीन्स पीपल, डिमोस मीन्स पीपल, डिमोस का मतलब होता है लोग, पीपल। क्रेशिया मीन्स गवर्नेंस, क्रेशिया का अर्थ शासन से है, तो दोनों मिला दें तो क्या होगा, लोगों का शासन। क्रेशिया मीन्स गवर्नेंस, लिखेगा देयरफॉर डेमोक्रेसी रेफर्स टू द रूल ऑफ द पीपल, देयरफॉर द डेमोक्रेसी रेफर्स टू द रूल ऑफ द पीपल। अतः लोकतंत्र का आशय लोगों के शासन से है। क्लियर हो गए। अब एक कमेंट लिखो, लिखो अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन का एक कमेंट है, उसको लिख लो, ऐसे तो आप लोगों को पता होगा। ये ब्रैकेट में लिखो 1860, कामा लगा के लिखो गेटिसबर्ग 1860 गेटिसबर्ग, गेटिसबर्ग ब्रैक, हाँ जी से बनाना, गेटिसबर्ग, गेटिसबर्ग, गेटिसबर्ग अमेरिका का एक जगह का नाम है। अब्राहम लिंकन ने 1860 में यहीं से भाषण दिया था, और उसी भाषण में डेमोक्रेसी की परिभाषा बताई थी। ठीक है, अब लिखो क्या बोला था। डेमोक्रेसी एज अ रूल ऑफ द पीपल, डेमोक्रेसी आज हटा दो, रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। हा, क्लियर, यही बात बोला था। लिखो लोकतंत्र को उन्होंने क्या बोला, जनता का शासन, जनता के द्वारा, जनता के लिए। ठीक है ना, जनता का शासन बोला उन्होंने, क्या बोला। हाँ देखो, जनता का शासन है ना, इसको क्या बोलेंगे, रूल, रूल ऑफ पीपल, जनता का शासन। रूल किसका है, गवर्नेंस किसका है, पीपल का है, जनता का। हमारे देश में, किसी भी देश में, खासतौर से अपने ही देश में देख सकते हैं, क्योंकि अपना देश भी बहुत विचित्र देश है। विचित्र इसलिए है कि सन 47 से हम
3 साल बाकी है 27 वाला 15 अगस्त, तो 80 बरस हो जाएगा आजादी का, और 80% अगर हम पुराने से देखें 2011-2021 में कुछ हुआ नहीं, तो हम 74% ही लिटरेट है। मतलब जितने साल की आजादी है उतना ही परसेंट हम लिटरेट है बमुश्किल। तो हमारे देश में लोगों को यह पता चल पाना मुश्किल हो गया कि पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जागरूकता का लेवल कितना घटिया होगा, कि लोगों को यही नहीं पता कि पढ़ाई लिखाई कुछ फायदा है भी कि नहीं है। बच्चे तो उनको तो फायदा बताना पड़ता है ना, लेकिन बताने वालों को भी जागरूक नहीं है कि इसका फायदा बताया भी जाए। ठीक है, तो हमने जिस देश में अशिक्षा होगी, जिस देश में गरीबी होगी, जिस देश में अशिक्षा होगी, जिस देश में गरीबी होगी, जिस देश में भुखमरी होगी, बेरोजगारी होगी, भांति भांति की समावेशी समस्याएं होंगी। समावेशी खुद ही अपने आप में डाइवर्सिटी ऑफ प्रॉब्लम है, समझो। विकास कर दोगे तो प्रॉब्लम का सलूशन है, नहीं करोगे तो डाइवर्सिटी में प्रॉब्लम्स पड़ी रहेंगे। उस देश में खाली पेट, सूनी आंखें और कठिन दौर से गुजरते हुए मन में कोई भी सपना ठूसने जब आता है तो सपनों के साथ चल पड़ते हैं कि क्या पता कुछ मुरव्वत हो जाए, कुछ लाभ हो जाए, कुछ प्राप्त हो जाए। हमारे देश के राजनेताओं ने हमारी जनता के साथ आधा से ज्यादा छल किया और बचा हुआ आधा से जो कम बचा उसके आधे में काम किया, यानी छलिया ज्यादा रहे, कभी महंगाई कम करने के नाम पे, कभी मुफ्तखोरी के नाम पे, कभी अनाज देने के नाम पे, छलते रहे। जबकि समाज कार्य की परिभाषा में जाया जाए, जो कि सरकार का दायित्व है, सोशल वर्क, व्यक्ति को स्वयं सहायता के लायक तैयार करना। जैसे आपके माता पिता आपको स्वयं सहायता के लायक तैयार कर रहे हैं, आपके भोजन का, कपड़े लत्ते का, खान पान का, रहन सहन का, बीमारी परेशानी में, आपके दुख दर्द में आपके साथ होने का, सबके लिए कीमत चुका रहे हैं, ताकि जब वो बूढ़े होकर के फिजिकली मेंटली कमजोर हों तो आप गबरू जवान रहें तो आप छलांग लगाने लायक रहें, उनके मोहताज ना रहें, क्योंकि वो कर नहीं पाएंगे एक समय के बाद। लेकिन सरकारों ने क्या किया, अपने कृत्यों से जनता को आश्रित बना दिया, जबकि क्या होना चाहिए, आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। अभी देखेंगे आत्मनिर्भर भारत का नारा चलता है, खोखला नारा है, 80 करोड़ लोगों को अनाज बांट करके आत्मनिर्भर भारत नहीं होता है। हाँ, 1 लोगों को रोजगार देकर 5-6 लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। किसी का बेटा लेक्चरर होता है तो माता पिता पत्नी बच्चे सबका जीवन में बाहर आती है। तो जिस नैरेटिव पे काम करना चाहिए वो नैरेटिव अभी भी ठीक से काम नहीं हो रहा है। किसानों को उसकी फसल की कीमत दो तब आत्मनिर्भर होंगे, 2000 रुपया अकाउंट में भेजने से आत्मनिर्भरता नहीं आएगी, वो तो आश्रित हो रहे हैं। इस नैरेटिव को अभी भी समझा नहीं जा रहा है। तो अब उसमें क्या हो जाता है, देखो इसकी प्रिंसिपल पॉइंट क्या है, गेटिसबर्ग में अब्राहम लिंकन ने जो समझाया, क्या समझाया, जनता का शासन। एक लाइन पहला वाला शब्द ले रहा हूं, आगे हमें नहीं जाना है। तो सरकारें क्या करती हैं, अशिक्षित लोगों को, गरीब लोगों को, भुखमरी के कगार पे खड़े लोगों को और रोजगार के मोहताज लोगों को, तरह तरह के भांति भांति समस्या से ग्रसित लोगों को, क्योंकि ये मास में मिलेगा, क्लास में नहीं मिलेगा, क्लास तो अपना रास्ता बना लेता है कम ज्यादा, समझदार है ना, पढ़ा लिखा, हम तो क्लास है ना, हम सरकार से मुफ्त अनाज क्यों लेंगे, हम क्यों ले मुफ्त अनाज उनसे, हमें क्या जरूरत है। अगर हमारी नौबत ऐसी भी आ जाएगी तो हम कोई रास्ता बना लेंगे, लेकिन सरकार का मोहताज क्यों होंगे,
क्योंकि हम क्लास है, क्लास का मतलब नहीं अमीर, क्लास का मतलब उच्च, थिंक टैंक। इस देश का वकील होगा, डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, कलेक्टर होगा, पॉलिटिशियन जो होते हैं, ये सब क्लास है ना। वो तो अपना रास्ता बनाएंगे, कटोरा ले क्यों खड़े होंगे। तो दो प्रकार का लोकतंत्र हो जाता है, एक लोकतंत्र जनता का शासन, रूल ऑफ पीपल हो जाता है, और एक रूल ऑन पीपल हो जाता है। कुछ समझे? क्लास के, क्लास क्या है? रूल ऑफ पीपल, और गरीबों पे क्या होता है? रूल ऑन पीपल, जनता पर शासन। कुछ समझ आएंगे नहीं? एक होता जनता का शासन, एक होता जनता पर शासन। सरकार हम पर शासन नहीं करती, जनता का शासन है, हम और वो जनता हैं। लेकिन इसी जनता में एक जनता ऐसा है जिसपे सरकार शासन करती है, जिसको बोलते हैं जनता पर शासन। तो रूल ऑफ पीपल कब रूल ऑन पीपल हो जाता है, ये आती है दरिद्रता में, ये आती गरीबी में, ये आती बीमारी में, ये आती परेशानी में, ये आती बेरोजगारी में, ये आती और अन्य कारकों में। और जब यही चीजें वाइबल होती हैं, सर्वाइवल से वाइबल की तरफ जाएंगी, तो जो गेटिसबर्ग में इब्राहिम लिंकन ने कहा 1860 में, रूल ऑफ पीपल, वो कभी रूल ऑन पीपल नहीं बनेगा। डिफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, गवर्नेंस पढ़ा रहा हूं है ना, अकॉर्डिंग टू सीले, सीले थिंकर का नाम है यार, SILE, सीले, अकॉर्डिंग टू सीले, इसने डेमोक्रेसी के बारे में क्या बोला है, एक लाइन लिखो। लोकतंत्र ऐसी सरकार है, डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल, ऐसा लिखो, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज अ शेयर। लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें सभी का हिस्सा होता है, ठीक है? लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें सभी का हिस्सा होता है। अकॉर्डिंग टू ब्राइस, BRISE कर लो, ये इसका नाम है। वैसे इसका नाम BRYCE लिखो, जो इसका, इसकी स्पेलिंग का नाम है। बी क्या बोला, RCE, हाँ ये है ब्राइस, ये लिखता है। जैसे कोई लोग अपने नाम को लिखते थे, असल में किताब में नाम ये मिलेगा इसका। डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल, ये क्या बोला है? प्रत्युष चला गया क्या? रूल ऑफ द पीपल, डेमोक्रेसी क्या लिखा, इज द रूल ऑफ द, लोकतंत्र लोगों का शासन है, इन विच द पीपल एक्सप्रेस द सोवर्जिन, द पीपल एक्सप्रेस द सोवर्जिन कामा द विल एज वोट। विल का मतलब यहां इच्छा से है, विल एज अ वोट। लोकतंत्र लोगों का शासन है जिसमें लोग संप्रभु, और संप्रभु कामा इच्छा को वोट से व्यक्त करते हैं, मतलब अपनी इच्छा को किससे व्यक्त करते हैं चेला, वोट से, है ना। वोट जिसको देंगे उसका मतलब उसको चुनना चाहते हैं। लास्ट में कॉल लिखो,
अकॉर्डिंग टू डाइसी, DISIE, डाइसी, वैसे डाइसी की स्पेलिंग में कहीं वाई भी पाएंगे, है ना, मिला है कहीं पे, इसी को रखना, अगर कहीं वाई मिलेगा डाइसी तो आप समझ ही रहे नाम को, लिखो डाइसी के अकॉर्डिंग टू डाइसी, लोकतंत्र ऐसा साधन है, डेमोक्रेसी इज द रूल, डेमोक्रेसी इज द रूल इन विच अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री रूल्स। विच अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री रूल्स, कह रहा लोकतंत्र ऐसा साधन है जिसमें देश का बड़ा हिस्सा शासन करता है, देश का बड़ा हिस्सा। अभी तो तुम कहां झांक रही हो, लिख लिया, देश का बड़ा हिस्सा शासन करता है। देश का बड़ा हिस्सा कैसे हुआ, अपने यहां कितने लोग हैं, 5-4, लोकसभा में कितने लोग हैं, और अगर 272 हो जाता है तो बड़ा हिस्सा हो जाता है ना, बस इसी मेजोरिटी कारण सत्ता में आ जाते हैं। ठीक है, आगे आइए, अब आप दूसरे ढंग से समझिए, लिखिए फिलोसफिकल बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, हेडिंग बनाओ फिलोसफिकल बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का दार्शनिक आधार। अगर हम फिलोसफिकल वे में डेमोक्रेसी को समझे तो फर्स्ट लिखो टू कंसीडर अ पर्सन एज अ यूनिट, फर्स्ट लिखिए टू कंसीडर अ पर्सन एज अ यूनिट, व्यक्ति को एक इकाई मानना, व्यक्ति को एक इकाई मानना, लिखो लोकतंत्र का दार्शनिक आधार में पहला लिखा व्यक्ति को एक इकाई मानना, बिलीफ इन द डिग्निटी ऑफ द पर्सन, व्यक्ति की गरिमा में विश्वास, व्यक्ति की गरिमा में विश्वास, ठीक है ना। तीसरा टू प्रोवाइड फ्रीडम एंड राइट, टू प्रोवाइड फ्रीडम एंड राइट टू द पीपल, लोगों को स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान करना, लोगों को स्वतंत्रता और, ये फिलोसफिकल वे है ना, संविधान में सब मिलता है ये। अगला हेडिंग लिखो डेमोक्रेसी एज सोसाइटी, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, या इसको और वैसा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डेमोक्रेसी बेसिस ऑफ सोसाइटी भी कह सकते हैं। इसका मतलब है कि जो लोकतंत्र का सामाजिक आधार क्या है, है ना, तो लिख लो इसको, मुंह हिला मत, मुंह आप लिख करके लिख, हाँ बोल रहा हूं तो मुंह हिला रही है लिख डेमोक्रेसी सोसाइटी, क्या लिखा आपने, सोसाइटी बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र का सामाजिक आधार क्या है, सामाजिक अधिकार आधार, स्त्री पुरुष में समानता चाहिए कि नहीं है, कास्ट के नाम पे क्या होता है, लिखो जाति, या अंग्रेजी में इस तरह लिखो नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कास्ट की स्पेलिंग क्या लिखे, हाँ ठीक है, कास्ट, जेंडर एंड रिलीजन, जात, लिंग और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना, है किया तो फिर बताएंगे
क्या हो रहा है बांग्लादेश में? बांग्लादेश में क्या हो रहा है? अगर हम सोसाइटी बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी को देखें वहां पे है, अगर हम फिलोसफिकल बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी देखें तो बांग्लादेश में है, या हम ये वाला देखें जो पीपल का लोगों की सरकार है वहां? नहीं है। नहीं होगा तो क्या होगा? जनता का शासन नहीं है ना, तो रूल ऑफ पीपल नहीं है, रूल ऑन पीपल है। जनता पर शासन चल रहा है इस समय बांग्लादेश में, और जनता पर शासन होगा तो जनता की छाती पर चढ़ करके उसके गर्दन की नस दबाई जाएगी, क्योंकि उसके बाप का क्या जा रहा है जो शासन कर रहा है? वो तो लाइबल ही नहीं है, न जनता से वोट पाया है, न जनता के सामने हाथ जोड़ा है, न जनता ने सपने देखे हैं उसके हिस्से का, कुछ नहीं है। कोई हिस्सेदारी है उसकी? एक शेख हसीना थी, चाही जैसी थी, उसकी हिस्सेदारी थी। हमने कहा है ना कि लोकतंत्र की सरकार कितनी भी खराब हो किसी भी तंत्र से बेहतर होती है। तो बांग्लादेश में लोकतंत्र की सरकार का गला घोट दिया गया, अब कोई भी तंत्र लाएंगे उससे बेहतर तो हो नहीं सकता। बेहतर नहीं है तो बेहतर को और बेहतर कर नहीं सकते आप, सिर्फ खराब होगा। और वहां पे जाके देखिए क्या तांडव हो रहा है। और हमने क्या बोला? कास्ट, जेंडर, रिलीजन, नो डिस्क्रिमिनेशन। बांग्लादेश में क्या हो रहा है? रिलीजन के नाम पे हो रहा है, डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं ना। जितने हिंदू हैं वो पिट रहे हैं कि नहीं? जान जा रही है, घर फूके जा रहे हैं, भगाए जा रहे होंगे। एक नया चैलेंज क्रिएट है कि नहीं? जो लोग ये सत्ता हथियाए हैं उनको पब्लिक से क्या लेना देना? पब्लिक ने थोड़ी उनको चुना था, उनके उनको कोई दर्द नहीं होगा। डेमोक्रेसी को बेटा संभालना ना, इसीलिए सत्ता का जो निहित पक्ष होना चाहिए ना, क्या समझे, वो सही व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। समझे ना, सत्ता कोई मजाक काम नहीं है, कोई मजाक काम नहीं है। ये गुंडे मवालियों का गेम नहीं है, ये सेना आ जाए, गुंडे कब्जा कर ले पार्लियामेंट में, या अराजकता फैलाएं, ये उस देश की, किसी भी देश की वो दास्ता है, नेस्तोनाबूद करने वाली वो दास्ता है, जिसको बनाने के लिए कतरे कतरे इकट्ठा किया जाता है, और ठोकर सिर्फ एक लात ही काफी है। क्या समझे, बांग्लादेश की जनता को पता ही नहीं है कि अपने ही देश की जनता, अपने ही देश को बर्बाद कर दिया उसने। शेख हसीना से नाराजगी थी तो चुनाव में हराए कहे नहीं? पिछले चुनाव में कहे नहीं हराए? अगर शेख हसीना से आपको नाराजगी है तो उसको चुनाव में हराओ, पहले तुम चुनाव में जिताओगे, फिर प्रधानमंत्री बनेगी, उसके बाद तुम हल्ला करोगे, कहे नहीं हराए? अब आ जाओ यहां पे, यूनिटरी गवर्नेंस एक हेडिंग बनाओ बेटा। अच्छा दूसरा इसमें लिख लो, दूसरा तो लिखे ही नहीं, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर एंड रिलीजन। दूसरा लिखो, एवोल्यूशन ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ सोसाइटी, समाज के विशेषाधिकारों को समाप्त करना। समाज के विशेषाधिकारों को समाप्त करना, ठीक है? अब लिखो
यूनिटरी गवर्नेंस, इसको बोलते हैं एकात्मक शासन। ये दूसरा प्रकार है। एक प्रकार क्या था? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, उसके अंदर ये कहानी बता रहा था। ठीक है, एकात्मक शासन लिखो। इन यूनिटरी गवर्नेंस द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर ऑफ गवर्नेंस। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर्स ऑफ गवर्नेंस। एकात्मक शासन में शासन की सभी शक्तियों का केंद्रीकरण केंद्र के पास होता है। लिख लो, टू एवोल्यूशन ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का बेटा, जैसे जो विशेषाधिकार है कुछ लोगों को खत्म करना। अंग्रेजों के टाइम में क्या देखा था तुमने? अंग्रेजों के टाइम में कोई राय बहादुर बना फिर रहा है, कोई ये सम्राट बना फिर रहा है, कोई अलग से टाइटल लगा के घूम रहा है। हमारे यहाँ ये सब प्रिविलेजेस जो थे खत्म कर दिया। आर्टिकल 18 को पढ़ोगी ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट में, प्रिविलेजेस वाला पॉइंट ही तो बता रहा हूं बेटा। एवोल्यूशन ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ सोसाइटी। समाज के विशेषाधिकारों को समाप्त करना। अंग्रेजी में सही नहीं बन रहा है क्या? टाइटल, टाइटल वही है डेमोक्रेसी, जो हमने सोसाइटी का डेमोक्रेसी बताया था। बताया था ना सोसाइटी बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। उसके अंदर दो पॉइंट हैं। एक पॉइंट है जिसमें जात, लिंग, धर्म यानी जेंडर हो या कास्ट हो और रिलीजन पर डिस्क्रिमिनेशन रोका गया है। दूसरे पर प्रिविलेजेस को, कुछ लोगों को प्रिविलेजेस मिले हुए थे तो हमने आर्टिकल 18 में क्या किया, उस प्रिविलेजेस को खत्म किया है। दैट इज इसकी डेमोक्रेसी में इस इक्वलिटी को डेवलप करने के लिए। फिर भी आज की तारीख में आप देखे होंगे कोई बाबा है, कोई पंडा है, कोई और भी है, हालांकि वो सामान्य व्यक्ति ही के तौर पे ही ट्रीट होता है, लेकिन उसको अलग से प्रिविलेज मिलता रहता है। यानी खत्म करके भी नहीं, आपने स्त्री पुरुष में जाति, इसके हम दो बातें बताएंगे, इसके करेक्टरिस्टिक में चलेंगे तो इसके मेरिट डीमेरिट मिलेंगे। तो सबसे पहले लिखो यूनिफॉर्मिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। पहला गुण क्या है इसका? यूनिफॉर्मिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन में क्या आएगा? शासन में एक रूपता। प्रशासन में क्या आया? एक रूपता। पश्चिम बंगाल की सरकार ने क्या बोला कि बांग्लादेश के मामले में हम भारत के, मतलब केंद्र सरकार के साथ हैं, तो यूनिफॉर्मिलिटी आई कि नहीं? साथ रहती हैं वो नीति आयोग की मीटिंग से भाग जाती हैं, मोदी जी चले जाएं वहां पश्चिम बंगाल तो अगवानी करने से कतराती हैं, देखती नहीं ममता बनर्जी को, खेला करती हैं वो। तो एक तो सत्ता में, अब उसके बाद भी देखो तमाम झगड़े होते हैं ना स्टेट्स के, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरला हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, जहां पर बीजेपी के अलावा सरकारें हैं तो थोड़े ऐसे तो रहता ही है। बट अगर कोई इशू जैसे होंगे जो नेशनल इंटीग्रेशन और नेशनल इंटरेस्ट के हैं तो उसमें राज्य सरकारें साथ देती हैं, नहीं ठीक है, तब बीजेपी, कांग्रेस और ये सब नहीं होता है, तब सब पूरा भारत होता है। अब लिखिए भारत में शासन। यूनिफॉर्मिलिटी से क्या पता चला बच्चा? कि प्रशासन में एक रूपता, सब एक जैसा दिखेंगे, सरल शासन व्यवस्था, सिंपल गवर्नेंस सिस्टम हो जाएगा, फिर सरकार को उस काम करना आसान हो जाता है क्योंकि पता है लोग मानेंगे। जैसे कह दिया कि लॉकडाउन, तो सबने कहा ठीक है भाई, अब कोई स्टेट ये नहीं कहेगा ना हम तो खोलेंगे। दूसरा लिखे संघर्ष रहित शासन व्यवस्था। संघर्ष रहित, कंफ्लिक्ट फ्री गवर्नेंस, कंफ्लिक्ट नहीं रह जाता है। कंफ्लिक्ट फ्री गवर्नेंस। नेक्स्ट
efficient and skilled administration, daksham kushal prashasan, flexibility, economy, mitvayita, flexibility, lachilapan, national integration, rashtriya ekta, ये सभी इसके मेरिट्स हैं। सर फ्लेक्सिबिलिटी कैसे मेरिट है यूनिटरी गवर्नमेंट्स की? क्वेश्चन इसका ठीक है कि गवर्नमेंट इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसे है। असल में फ्लेक्सिबिलिटी बेटा इन द सेंस ऑफ पॉलिसी है ये। अगर फ्लेक्सिबिलिटी से क्लैरिटी नहीं आए तो फ्लेक्सिबिलिटी लिख दो इन द सेंस ऑफ पॉलिसी मेकिंग, है ना। असल गवर्नमेंट को पॉलिसी मेक करने में फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों की लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं तो उनके प्रति जो लाइबिलिटीज होती है वो उसके प्रति वो रिजर्व हो जाता है, एक स्ट्रेटजिक रिजर्व आ जाता है उसके पास, ठीक है ना। जैसे हमें पता है कि क्लास के सारे बच्चे हमारी बात मान लेंगे तो हमें अपनी पॉलिसी बनाने में हम फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। हम जब आप पर थोपना होता है तब हम रिजिट हो जाते हैं, और रिजिट जब ममता बनर्जी कह रही बांग्लादेश के मामले में हम आपके साथ हैं तो हम कोई भी पॉलिसी बनाएंगे, ममता बनर्जी हमारा विरोध नहीं करेगी, तो मेरे लिए फ्लेक्सिबिलिटी है इन द सेंस ऑफ पॉलिसी मेकिंग, ओके नॉट इन केस। तुम्हारा क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि यूनिफॉर्मिलिटी में गवर्नमेंट जो है दृढ़ होती है, थोड़ी कट्टर होती है, लेकिन डेमोक्रेसी में इसकी संभावनाएं घटाई दी जाती हैं। और मितव्ययी इसलिए होती है क्योंकि इकोनॉमी इसलिए होती है क्योंकि वो कहां पैसा खर्च करना सिर्फ उसकी ड्यूटी हो जाती है, हर जगह से काम करने की नहीं है, वो देखेगी जो प्रायोरिटी है वहीं पे काम करो अभी के लिए। क्या लिखा, संकट काल में अधिक उपयुक्त। संकट काल में क्या होगा, ये संकट काल के लिए ही होता है यूनिटरी वाला जो है संकट काल में। और एक है सुदृढ़ विदेश नीति, लास्ट में लिखो सुदृढ़ स्ट्रांग फॉरेन पॉलिसी, स्ट्रांग फॉरेन पॉलिसी। ठीक है ना, दोष क्या है, डीमेरिट क्या है। डीमेरिट यह है कि फियर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बीइंग ऑटोक्रेटिक, फियर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बीइंग ऑटोक्रेटिक, क्या मतलब समझे, केंद्रीय सरकार का निरंकुश होने का भय रहता है क्योंकि सब लोग तो हो गए ऐसे, है ना। यहां डेमोक्रेसी को कहीं ऐसा ना हो पुलिंदा बना दें वो, ये सब सुविधा मिलने से ये कहीं दिक्कत ना पैदा हो जाए, और ये दिक्कतें आती हैं, ऐसा नहीं अपने देश में भी रही हैं कम ज्यादा। आगे लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, प्रशासनिक दक्षता का अभाव, आगे नौकरशाही का शासन, ब्यूरोक्रेटिक रूल, इसमें अधिकारी तंत्र हावी हो जाता है। अधिकारी तंत्र बोलो कैसे अभाव हावी हो जाता है, अधिकारी तंत्र इसलिए हावी होता है बेटा कि हमारे यहां पार्लियामेंट्री सिस्टम में मिनिस्टर कहां से आता है, मिनिस्टर पार्लियामेंट से आता है। अब पार्लियामेंट में कौन जाते हैं आप जानते हैं, पार्लियामेंट में एक तिहाई अपराधी जाते हैं जिन पे बलात्कार से लेकर हत्या अटेम्प्ट टू मर्डर तक के मुकदमे होते हैं, मतलब हीनियस क्राइम भी किए होते हैं, लेकिन चुनाव इसलिए जीतते हैं क्योंकि उसके जाति के लोग, उसके क्षेत्र के लोग उसको जिता दिए। वैसे तो जेल में बैठा अमृतपाल चुनाव जीता हुआ है, शपथ लिया,
सुने हैं कि नहीं? अरे यार, वहां नॉर्थ ईस्ट की जेल में था, वो चुनाव जीता पंजाब से, जिता दिया लोगों ने, और वही पॉलिसी मेकर है अब। ठीक, दूसरे कुछ बेवकूफ नेता भी जाते हैं, बेवकूफ इन द सेंस की ऐसे ही बहुत ज्यादा सोचने समझने पढ़ने लिखने नीतियों की समझ हमझ का कुछ लेना देना नहीं, हल्ला गुल्ला करके अपना पहुंच गए। ठीक है, पार्टी देखो, जैसे कोई पार्टी है, पार्टी से आपको टिकट मिल गया, ठीक है ना, तो पार्टी को लोग तो किसको वोट, आजकल 10 साल से वोटिंग किसके नाम से हो रही, मोदी के नाम पे। आपने कैंडिडेट अपना देखते ही नहीं कौन है, जब तक आप कैंडिडेट नहीं देखेंगे तब तक वहां गलत लोग पहुंचते रहेंगे, तो गलत सलत लोग पहुंच जाते हैं, तो इनको तो कुछ आता नहीं है ना, तो इनका इनको काम को कौन सलाह देता है, तुम लोग आईएएस, तो क्या हो जाएंगे, शासन किसके हाथ में, जैसा वो चक्र घिन्नी घुमाएगा कौन, ब्यूरोक्रेट, तो ब्यूरोक्रेटिक रूल दिखने लगता है उसमें। राबड़ी देवी के नाम सुने हैं कि नहीं? राबड़ी देवी कौन है? राबड़ी देवी का नाम ही नहीं सुना आपने, बताओ ना कौन है, तुम बताओ राबड़ी देवी कौन है? राबड़ी, राबड़ी देवी, तुम बताओ यार, कोई भी बता दो राबड़ी देवी कौन है। राबड़ी देवी लालू प्रसाद की पत्नी है और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री है, हाँ? नाक कटवा दिया, चलो छोड़ देते हैं। राबड़ी देवी जब चीफ मिनिस्टर बनी तो राबड़ी देवी को तो कुछ पता ही नहीं था, अब आप लोग उनको जानते नहीं इसलिए ज्यादा नहीं समझ पाएंगे। वो तो लालू जी जेल जा रहे थे तो उनको मुख्यमंत्री, तो वहां ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाएगी। हमारे यहां जब प्रधानमंत्री कार्यालय बनाया गया, जिसको पीएमओ बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने तो नेहरू जी, एक तो होता है केंद्रीय सचिवालय, सेंट्रल सेक्रेटरिएट, पॉलिसी मेकर बैठेंगे, एक कैबिनेट सेक्रेटरिएट जो कैबिनेट का सेक्रेटरिएट है, जहां एग्जीक्यूटर रहेंगे, और एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जहां नेहरू जी का दफ्तर होगा, नेहरू जी के लोग रहेंगे, आदमी कोई ये वो कैसे काम होगा उनका। तो पीएमओ जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी तो इंदिरा गांधी फर्स्ट फेज में 1969 में और 66 में जब पीएम बनी तो उतना मजबूत नहीं पीएम थी वो, लेकिन जो बांग्लादेश के बाद, बांग्लादेश की लड़ाई के बाद उनका जो कद बढ़ा, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस था वो पीएमओ नहीं रह गया, वो पीएमओ नहीं, ये है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, वो पीएमएस बन गया। पीएमएस समझते हो? प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरिएट बन गया। सेक्रेटरिएट कैसे बन गया? क्योंकि जो सचिवालय था, कैबिनेट सचिवालय जो था, जो फैसले कैबिनेट सचिवालय में होने चाहिए वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होने लगे, यानी जो फैसले मंत्रियों को लेने चाहिए वो प्राइम मिनिस्टर लेने लगे। तो जो प्राइम मिनिस्टर का प्रधान सचिव होगा वो कैबिनेट सेक्रेटरी को सुपरसीड करने लगेगा। कुछ आया समझ में? नहीं आया? अगर किसी मिनिस्टर का काम चीफ मिनिस्टर करने लगेगा तो चीफ मिनिस्टर का जो सेक्रेटरी है उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, प्रधान सचिव था, इस देश का सबसे सीनियर आईएएस होता है कैबिनेट सचिव। प्रधान सचिव तो किसी को भी बना देती हैं प्रधानमंत्री, तो वो उस प्रधान सचिव का यानी कि पीएमओ का बल्ले बल्ले हो गया, कैबिनेट सचिवालय बौना हो गया और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कुछ लोगों का ऑफिस बड़ा हो गया इंदिरा गांधी के शासनकाल में।
जब जब प्राइम मिनिस्टर मजबूत होगा, ध्यान रखना, जब जब प्राइम मिनिस्टर मजबूत होगा पीएमओ पीएमएस बन जाएगा, और जब जब कमजोर होगा पीएमओ पीएमओ ही रहेगा। लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में पीएमओ पीएमओ ही था। ये राजीव गांधी के टाइम में पीएमओ पीएमओ ही था। पीएमओ पीएमओ कैसे था? राजीव गांधी कोई पॉलिटिशियन तो थे नहीं, उनको तो कुछ आइडिया था नहीं, लेकिन उन्होंने एक किया था कि तीन सलाहकार रख लिए थे और छेड़ा नहीं कई चीजों को, क्योंकि उसकी कीमत देखे थे। 75 की इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी ने लगाई, उसका दाग आज भी धोना पड़ता है। फैसले अगर एजेंसियां अपनी अपनी जगह से करेंगी, है ना, तो यूनिटरी सिस्टम नहीं होगा, यूनियन यूनियन दिखेगा, अलग अलग ब्रांचेस दिखेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन दिखेगा। हमारे यहां मोदी साहब भी कुछ गलतियां ये करते हैं, कूदते हैं कभी आरबीआई में कभी इसमें, काम करने दो उनको। आरबीआई में क्यों घुस रहे हैं आप? कहीं यहां घुस जाएंगे, कहीं वहां घुस जाएंगे, कहीं वहां घुस जाएंगे। आप सिर्फ अपने कैबिनेट में रहो। मेरा काम पढ़ाना है, किचन में नहीं। हम डाइनिंग टेबल पे बैठेंगे, जो खाना मिला है खाओ, निकलो। गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, हाँ देखेंगे। हवा नहीं है, वो भी देखेंगे। गाड़ी सर्विस करानी, वो भी देखेंगे। लोन देना है, हाँ हम हमारी ड्यूटी हम देखेंगे। लेकिन हम किचन में घुस घुस करके वहीं किचन भी कब्जा कर लेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। ये झगड़ा हुआ हुआ ना, झगड़ा हर जगह झगड़ा, सब काम बटा है। यूनिटरी इमरजेंसी के लिए, यूनिफॉर्मिलिटी इमरजेंसी के लिए, सामान्य दिनों के लिए नहीं। तो नौकरशाही का शासन इसलिए हो जाए क्योंकि हमारे नेता तो ऐसे ही हैं। इसीलिए कहते हैं पढ़े लिखे लोगों का आना चाहिए उसमें। पढ़े लिखे कहते हैं अरे अरे बेकार है यार ये, पढ़े लिखे तो यही बोल के हट जाते हैं ना कि बेकार है। अरे तुम तो बेकार बोल के चले गए, बाद में आलोचना करते हो, तुम करो ना। अरे प्रशासनिक दक्षता का अभाव लिखो उसमें, इफिशियंसी नहीं है, लिखो प्रशासनिक दक्षता का अभाव। लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या इफिशियंसी लिखा है ना, हाँ क्यों? तुम कनिका कहां लिख रही हो? तुम दूसरे पॉइंट को देखो, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी लिखा है, डिमेरिट, उसमें इफिशियंसी कहां लिखा है? इफिशियंसी एडमिनिस्ट्रेशन है, डीमेरिट में भी इफिशियंसी, तो डीमेरिट में तो लैक करेगा ना, डीमेरिट में लैक है वो। लोकतंत्र विरोधी लिखो, लोकतंत्र विरोधी, इसमें यूनिटरी में क्या होता है? सबका नहीं होता है, तो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होगा, एंटी डेमोक्रेसी लिख लो। नो सुटेबल फॉर स्टेट्स, राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं, समझ गए नहीं? क्योंकि इसमें राज्य जो होते हैं उनकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। तुम लिख नहीं रहे हो क्या यार? लिखे क्या समझ रहा है? लिखो नॉट सुटेबल ऑफ स्टेट, हाँ स्टेट्स। आगे लिखो जनता की उदासीनता, एक एक शब्द लिखा रहा हूं और कक्षा 3 के विद्यार्थी की तरह इमिला लिखा रहा हूं, समझे ना? पहले समझा रहा हूं फिर लिखा रहा हूं, और उसमें भी अगर तमीज नहीं आ रहा है तो फिर डंडा उठेगा भी।
लिख लिए कि नहीं वाला? हाँ, ये राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि राज्यों को बोल तो दिया पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के में हम आपके साथ हैं, क्योंकि राज्य वहां से कोई फौरी फैसला कल वहां से भाग भाग के बंगाल में घुसेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरनल सिक्योरिटी देखना ना, इंटरनल सिक्योरिटी किसका हिस्सा है? हाँ, सीमा से कोई प्रवेश ना करे, बॉर्डर पे कौन देखेगा? वहां तो आर्मी के लोग देखते हैं, वहां तो पैरामिलिट्री के लोग, इसके सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग होंगे, बंगाल की पुलिस लगी हुई है क्या वहां? तो फिर आप कहेगी कि आप जैसा निर्णय लेंगे, तो राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं होता है वो निर्णय, सब केंद्र ही लेता है। और जनता की उदासीनता, जनता इसमें उदासीन हो जाती, जनता कुछ नहीं, जैसे कहेंगे थाली बजाओ थाली बजाएगी, कहे टार चलाओ टार चलाएगी, जनता कहे सड़क पर निकलो सड़क पर नहीं निकलेगी, जनता कुछ नहीं करती इसमें, न्यूट्रल हो जाती है पब्लिक, इसमें न्यूट्रल हो जाएगी, ये इसका डिमेरिट है। जो जनता सरकार को वोट दिया होता है वो न्यूट्रल हो जाती है, और लोकल लिख लो, निगलेक्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट है वो निगलेक्ट हो जाती है, कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है ना, तो कोई दूसरे चीजों पे ध्यान नहीं जाता है, ये सभी इसके लोकल गवर्नमेंट प्रोकल है, पंचायत वगैरह जैसे नगर निगम, ये कौन पूछ रहा है इनको? हाँ, बड़ी समस्या आ जाती है ना, जैसे घर में बारात हो ना, तो फिर बारात आने वाली हो तो कई चीज ध्यान नहीं दिया जाता है कि कहाँ लाइट जल रही है, बाथरूम की लाइट खुला छोड़ के चला आया नहीं, हाँ उस पर ध्यान नहीं जाएगा, अरे तुम यहां बारात देख रहे हो, वहां घर में तुम बाथरूम की लाइट खुली छोड़ के चले आए, वो छोटी चीज हो जाएगी, वो निगलेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, अगर आपका कुछ चीज छूट गया, 100-200 रुपया कहीं गिर गया, तो आप उसको ढूंढेंगे नहीं, असामान्य दिनों में 200 रुपया के लिए 2 घंटा ढूंढेंगे ठीक है ना, वो निगलेक्ट हो जाएगा, ऐसा लॉस होता है इसमें। संघात्मक शासन लिखो, ठीक है, संघात्मक सर, मेरिट में भी इफिशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है और डीमेरिट में भी इफिशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, लैक ऑफ है उसमें, है ना, उसमें लैक है, क्लियर हो गया होगा, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इफिशियंसी का, उस दक्षता के साथ नहीं होता है। ठीक है, बाकी यूनियन का कल चर्चा करेंगे। हाँ, क्या करें, हाँ ऑटोक्रेसी होने का डर रहता है, निरंकुश तो है, निरंकुश जो शासन होता है ऑटोक्रेसी आ गया, जैसे इंदिरा गांधी पर आरोप होता है उन्होंने 75 की इमरजेंसी लगाई, ठीक है ना, हाँ अपना कोई निरंकुश का मतलब जिस पर अंकुश ना हो, अंकुश किसका है, हाँ यस वो डिक्टेटर टाइप का, आपने आपने किसी भी सरकार का आपने निरंकुश भाव कैसे देखेंगे, जिसमें पब्लिक ओपिनियन बंद हो जाए, भाई सरकार किसकी है, अभी तो आपने देखा पीपल की, जनता की है, ठीक है ना,